वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल ईर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स इफ यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेलन इन दिस वीडियो यू आर वॉचिंग एन आई एस डी एल एड एडमिशन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फ्रॉम डेट्स इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आप डी एल एड करना चाह रहे हैं एन आई एस है तो इसका सेशन कब शुरू होता है इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो ये देख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एन आई एस और ये कहाँ कोर्स कर रहे हैं तो ये डी एल एड में कोर्स कर रहे हैं एडमिशन किस में होगा तो डी कोर्स में एडमिशन लेंगे और एग्ज़ाम का नाम क्या रहता है एन आई एस डी एल एंट्रेंस एग्ज़ाम ये लिखी हुई है और यहाँ सेशन की बात करें तो ये सेशन आपका तेईस चौबीस का सेशन चल रहा है और ये अप्लीकेशन कैसे हम भरेंगे तो ऑनलाइन को मोड पर अब अप्लाई कर सकते हैं और इसका एन में अगर हम डी करना चाहते हैं तो जुलाई और सितंबर यानी वर्ष में दो बार वो फॉर्म को अप्लाई करवाते हैं तो जुलाई और सितंबर में अभी 2023 में सितंबर में आपका जुलाई में आपका अप्लाई होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही ये आपका डेट शुरू होता है यहाँ पर आपका लिंक एक्टिवेट हो जाता है और आप ऑनलाइन करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल में क्या बता रहा है कैटेगरी क्या है तो डी एडमिशन फीस दो ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास लिंक यहाँ दी हुई है इस पर इसे क्लिक करके आप देख सकते हैं तो ये देख रहे आप कहाँ आ गए हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एन की वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रॉल आपका चल रहा है और यहाँ पर अधिसूचना भी दी हुई है इस पर आप क्लिक करके अच्छी तरह से सफलीभुत होकर देख सकते हैं अगर इसमें बात करें तो यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है तीन दस दो हज़ार बाईस प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डी एल एड के लिए मार्कशीट यहाँ दी हुई है और प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में इसे भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और यहाँ बात करें तो आपके पास देखिए अगर इसमें से प्रोग्राम के बारे में देखना हो तो इस पर आप क्लिक करें और लर्नर कॉर्नर के लिए विद्यार्थी के लिए इस पर आप क्लिक करें और विभाग की इकाई को देखने के लिए इस पर आप क्लिक करें और यहाँ बात करें तो हमारे बारे में जानकारी के लिए ये देख रहे हैं सारी विशेष जानकारी यहाँ पर नोटिस बोर्ड दी हुई है अगर रिक्ति की बात करेंगे तो इस पर क्लिक करके इस देख सकते हैं अगर यहाँ से बात करें कि कौन कौन सा अभी नया नोटिस आई हुई है तो इसके लिए यहाँ आपको देखना होगा कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डी के कार्यक्रम के बारे में कौन कौन सी जानकारी है तो यहाँ देखिए आपके पास डी अध्ययन सामग्री है ये प्रैक्टिकल मैनुअल है जो एन आई के लिए लाइब्रेरी भी यहाँ दी हुई है अगर यहाँ बात करें अगर आप प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं देखिए आपके पास इंटर इस तरह से इंटरफेस खुल के आता है और यहाँ क्या बताया रहा है माध्यमिक के लिए इस पर क्लिक करेंगे इंटर के लिए इस पर करेंगे और ओपन बेसिक शिक्षा के लिए इस पर क्लिक करेंगे और कॉमर्शियल के लिए इस पर करेंगे और डी के लिए इस पर क्लिक करेंगे आइए हम माध्यमिक पर क्लिक करते हैं ये क्या बताता है इसको हम देखते हैं जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं देखिए इस तरह से आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाता है और यहाँ आ जाते हैं कि आपको शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है किस तरह से फॉर्म को भरना है क्या क्या चाहिए तो यहाँ आपको बताया जाएगा अगर आप दसवीं कक्षा में समकक्ष माध्यमिक पाठ्यक्रम लेना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिए इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं प्यारे बंधुओं देखिए आपके पास इस तरह से पेज खुल के आ जाता है और इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे ये देखिए आपके पास क्या दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एन माध्यमिक पाठ्यक्रम का क्या विशेषता बताया जा रहा है यह कोर्स दसवीं कक्षा के समकक्ष है आप तालिका में दी गई अध्ययन योजना के विषय में चुन सकते हैं हालांकि आपको कम से कम एक भाषा या अधिक से अधिक दो भाषा के साथ कम से कम पांच विषयों की सफलतापूर्वक पूरा करना होगा जो परमाणन के लिए अनिवार्य है यानी आपको कह रहा है आप एक सब्जेक्ट से आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं ये दो विषय से इंटरमीडिएट कर सकते हैं या पांच विषयों के साथ भी इंटरमीडिएट इसमें कर सकते हैं यही इसमें बताया है इसका रूल और रेगुलेशन यही है आप यहाँ देख रहे ग्रुप ए में इस तरह से आपका कोड दी हुई है इस कोड को देखें कोर्स को देखें ये सेकेंडरी के लिए दी हुई है ये सेकेंडरी के लिए, के लिए सारे कोर्स दिए हैं चाहे आप साइकोलॉजी से कीजिए या पोलिटिकल साइंस से कीजिए या जिससे भी आप करेंगे ये आपका रहता है ये ग्रुप इसमें दिया हुआ रहता है और यहाँ सीनियर सेकेंडरी के लिए देखेंगे ये सीनियर सेकेंडरी इंटर के लिए है ये इन्वायरमेंट साइंस को देखिए ग्रुप डी के लिए केमिस्ट्री के देखिए ये सारे सब्जेक्ट इसमें दी हुई है देख आप अच्छी तरह समझ ही अपना ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे अगर यहाँ बात करें तो प्रमाण पत्र संस्कृत भाषा विषय के साथ उक्त चार विषयों का सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख किया जाएगा और आपके बाद उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगर ये छोटा सा नोटिफिकेशन आपके लिए अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए अगर आन एस डी से संबंधित तो अगर किसी तरह की आप जानकारी चाहिए तो आप अभी कॉमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू